शाजापुर में ब्लड डोनेट का कीर्तिमान गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद रक्तदान शिविरों में सहयोग करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रक्तदान दाता संग्रह पुस्तिका 2022 का विमोचन किया। इस मौके पर मौजूद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंडियन हेड आलोक दुबे ने जिला कलेक्टर दिनेश जैन को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। आपको बता दें कि 23 मार्च शहीद दिवस के मौके पर जिले में आयोजित रक्तदान शिविर में 12 घंटे में ही 2887 यूनिट रक्तदान किया गया था। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन नगर पालिका में आयोजित समारोह में सर्वाधिक 377 यूनिट रक्तदान करने वाली संस्था प्रेस क्लब साजापुर सहित राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं और उन सभी व्यक्तियों का स्वागत तथा सम्मान किया गया जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभाई थी। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। सब लोगों का नाम ध्यान ना ले पाए हो, लेकिन जिन जिन भी संगठनों ने ये प्रमुख संगठन और उनके पदाधिकारीगण और शाजापुर जिले के सभी नागरिकगणों का इस अवसर पर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो शाजापुर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, उसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये आप सभी संगठन और शाजापुर की जनता को मैं समर्पित करता हूँ। बनाया है आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब हम 75 का साल मना रहे हैं और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्य शाजापुर में आप लोगों की मदद से किया गया है उसमें उसकी प्रशंसा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और पूरे प्रदेश में और देश में शाजापुर का नाम हुआ है। और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने मिलजुल कर ना केवल ये रक्तदान वाला काम किया है, आगे भी सभी लोग मिलकर समाज के प्रगति के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। एक मंच पर इतने सारे लोग इकट्ठे भी हुए, सबका जुड़ाव हुआ है और हम लोग एक दूसरे को समझकर जिले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी संगठनों का, सभी पदाधिकारियों का और जिले के नागरिकों का जिन्होंने इस रक्त संग्रह में योगदान दिया है, मैं जिला प्रशासन रेड क्रॉस की ओर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शहीद दिवस के अवसर पर शाजापुर जिले के जिला प्रशासन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक शिविर लगाए गए थे। एक ही दिन में 2887 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है, एक पूरा विश्व का रिकॉर्ड बनाया है और इसके लिए मैं सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टरों की टीम ने जिस मेहनत के साथ इस अभियान को रिकॉर्ड दर्ज कराने में जो अभियान चलाया और मेहनत किया, अथक परिश्रम किया है, मैं समझता हूँ कि इससे केवल मध्य प्रदेश ही नहीं देश के भी अन्य क्षेत्रों में लोग प्रेरणा लेकर के रक्तदान की भावना को और बढ़ाने में बड़ा काम आएगा। पौधारोपण को लेकर निश्चित रूप से हमको धरती बचाने का एक अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए वृक्षारोपण करना और वृक्षों को रोपते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुरक्षित भी करना, साथ ही जो धरती बचाओ अभियान है इसमें जो हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं विशेषकर सिंगल यूज प्लास्टिक का, सामान्यतः शादी समारोह में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो प्लास्टिक के जो ग्लासों का उपयोग करते हैं, डिस्पोजल ग्लास का उपयोग करते हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। और जिससे पर्यावरण खराब नहीं हो, धरती खराब नहीं हो, जो मिट्टी में मिलकर समाप्त हो जाए, ऐसी चीज़ों के ग्लास आदि का उपयोग करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है समाज इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेगा और मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने धरती बचाओ अभियान जो प्रारंभ किया है उस अभियान को गति मिलेगी। 23 मार्च 2022 को पूरे जिले के 22 जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। तो आज हम लोगों ने विभिन्न संस्थान थे, संगठन थे, व्यक्ति और जनप्रतिनिधि ने सभी लोगों के सम्मान समारोह के लिए कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। और इसमें गौरव की बात यह है शाजापुर से लेकर 12 घंटे 2887 यूनिट हुआ, उसमें अवार्ड दिया है, रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और उसका
का सर्टिफिकेट आज पूरा किया है। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इससे ये भी हुआ है कि ज़िले में इतने सारे संगठन हैं जो विभिन्न जगहों पर काम कर रहे थे वो सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और एक अच्छा जो राष्ट्रीय एकता का और राष्ट्रभक्ति का और सही श्रद्धांजलि देने का एक अच्छा हम लोगों को एक साधन साधन जिले में मिल गया और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह आगे हम लोग 23 मार्च को आगे बढ़ते हुए अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते रहेंगे। सर पौधारोपण को लेकर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।